Friends, welcome to my YouTube channel. Here I am discussing about basic rules. First we will talk about current division rule. Here we can see circuit diagram where R1 and R2 are connected in parallel. You know very well current hamesha parallel condition mein divide hota hai, okay, and voltage same hota hai. Means parallel condition mein voltage same rahega and current divide hoga. Current flow hua yahan se R1 mein I1 current flow hua and R2 mein I2 current flow hua. By KCL I equal I1 plus I2. I kya hoga? Dono ka combination means I1 plus I2. Where I1 equal, you know formula, I1 equal V upon R1. Means voltage same hai, isliye V likhenge. Then I2 equal V upon R2. Okay? Now, ab aapko kya find karna hai? V find karna hai. V equal IR formula hota hai, V equal IR, then I into RA kya hoga aapka? RA hoga aapka total resistance. Total resistance means R equivalent, where I into R equivalent means R1 and R2 parallel mein connect hai, then formula ke according kya hoga? R1 into R2 upon R1 plus R2. आपको पता है पैरेलल कंडीशन का फार्मूला, यदि सीरीज में होते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, देन आप उसे ऐड करते हैं, ओके, यहां पैरेलल कंडीशन में, इसलिए R1 into R2 upon R1 plus R2. देन यदि करंट डिवीजन रूल में आपको करंट फाइंड करना है, देन आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं I1 equal I मींस जो करंट फ्लो हो रहा है, आप I1 फाइंड करें इस ब्रांच में, देन I करंट फ्लो हुआ I into I1 के अपोजिट जो करंट है उसका रेजिस्टेंस लेंगे, मींस I1 का अपोजिट करंट I2 का रेजिस्टेंस होगा R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मींस R1 प्लस R2, ओके, एंड देन I की वैल्यू आप इससे फाइंड कर सकते हैं, I क्या हो जाएगा, I इक्वल V अपॉन R इक्विवेलेंट, मींस I की जगह आप V अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, देन आप इससे डायरेक्ट I2 भी फाइंड कर सकते हैं, I2 फाइंड करेंगे, देन जो करंट फ्लो हो रहा है आपका करंट फ्लो होगा I into I2 के अपोजिट करंट है I1, उसका रेजिस्टेंस है R1, देन R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मींस R1 प्लस R2. बहुत ही सिंपल फंडा है, आप इससे डायरेक्ट करंट फाइंड कर सकते हैं, बट R1 एंड R2 पैरेलल में कनेक्ट हो, ओके, देन नेक्स्ट वोल्टेज डिवीजन रूल में वोल्टेज डिवाइड होगा, ओके, यू नो वेरी वेल इन सीरीज कंडीशन करंट ऑलवेज सेम, मींस जो करंट R1 में फ्लो होगा वही करंट R2 में फ्लो होगा, ओके, सीरीज कंडीशन में वोल्टेज डिवाइड होता है एंड करंट सेम रहता है, देन बाय केवीएल V इक्वल V1 प्लस V2, देन V1 इक्वल, you know formula, V1 equal R1I, okay, R1I, I means same current flow रहा है, इसलिए हमने यह I लिखा है, ना कि I1, okay, then V2 equal R2I, V2 equal R2I, then आप इसे I की value find कर सकते हैं, add कीजिए इसे, I equal V upon R1 plus R2, okay, कैसे कि आपने फाइंड, यहां आप वैल्यू पुट कीजिए, V इक्वल V1 की वैल्यू पुट कीजिए R1I प्लस V2 की वैल्यू पुट करेंगे R2I, देन V इक्वल I कॉमन लेंगे R1 प्लस R2, देन I इक्वल V अपॉन R1 प्लस R2. अब आप इससे डायरेक्ट वोल्टेज V1 एंड वोल्टेज V2 फाइंड कर सकते हैं, देन हियर यू कैन सी V1 equal V into R1 upon R1 plus R2. Means, आप यह क्या करेंगे? आप जो voltage find कर रहे हैं, उसी का आप resistance लेंगे. V की जगह आप क्या रख सकते हैं? I into R1 plus R2. Then into R1 upon R1 plus R2. आप इससे डायरेक्ट V2 भी फाइंड कर लेंगे, V2 इक्वल V into R2 अपॉन R1 प्लस R2. बहुत ही सिंपल फंडा है, आप इससे डायरेक्ट V1 एंड V2 फाइंड कर सकते हैं, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.